मैं कहना चाहूँगा कि झज्जर जिले के अंदर जो घटता हुआ सेक्स रेशियो है उसको संज्ञान लेकर सरकार इस बारे में सजग है और हम लोग लगातार छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन और बड़े से बड़ी जानकारी हर चीज़ पर कार्य कर रहे हैं। ना केवल जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है वो, बल्कि CID के माध्यम से और अलग अलग तंत्रों से भी हम देख रहे हैं कि किस प्रकार के लोग ये जेंडर डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन के कार्य में संलग्न है। जो भी जानकारी मिलती है हम तत्परता से उसके ऊपर कार्यवाही में लग जाते हैं। जो सवेरे हमारे को 12 तारीख की सवेरे ये जानकारी मिली कि कोई व्यक्ति है जो जेंडर डिटर्मिनेशन का कार्य करता है, जिसमें झज्जर के लोगों को भी लेकर जाते हैं, तो हमने तुरंत एक इसके लिए टीम तैयार की और डिकॉय कस्टमर के तौर पर एक प्रेग्नेंट लेडी को साथ में उनके भेजा। प्रेग्नेंट लेडी को वो बवाना के पास में श्री बालाजी क्लिनिक के पास लेकर चले गए और कुछ देर घुमाने फिराने के बाद में उन्होंने वहाँ पर उन्हें बिठा दिया और ये बोला कि आप यहाँ बैठे, मशीन आने लग रही है। क्योंकि वो बिल्डिंग ऐसी थी कि उसमें ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई यहाँ पर अल्ट्रासाउंड सेंटर है, लेकिन हैरानी की बात है कि कुछ देर बाद एक व्यक्ति मशीन लेकर, अल्ट्रासाउंड की मशीन लेकर वहाँ पर एकदम से प्रकट हो गया और वो व्यक्ति ने अल्ट्रासाउंड किया भी। जब वो व्यक्ति आ गया तो जैसा उन्होंने मांगा, 25,000 रुपये में सौदा तय किया गया था बच्चे का लिंग बताने के बारे में, और जब उन्होंने ये मशीन ले आए तो उस ग्राहक ने 25,000 रुपये उन्हें दे दिए और उसके बाद में उन्होंने उसकी लिंग जांच की। लगभग 12 बजे के आसपास का समय था, लगातार टीम उसको फॉलो कर ही रही थी। जेंडर डिटर्मिनेशन कराने के बाद में जब वो प्रलोभन ग्राहक बाहर आई, डिकॉय कस्टमर बाहर आई, उसने आकर सूचना अपनी टीम को दी। टीम ने तुरंत अंदर जाकर ये मशीन को कब्जे में लिया। इसके अलावा वहाँ की जो लोकल टीम है, दिल्ली प्रदेश की जो लोकल PNDT टीम है, उन्हें भी इस चीज़ को लेकर हमने जोड़ा साथ में और उन लोगों ने भी FIR की जो कार्रवाई है उसके अंदर उसमें साथ दिया। इस रेड के दौरान हमें इलीगल मशीन मिली, दो लोग ऐसे मिले जो कि दलाल का काम कर रहे थे, एक ऑपरेटर भी वहाँ पे पकड़े गए जो कि ऑपरेट कर रहे थे, जिससे अल्ट्रासाउंड मशीन चलानी आती थी, और साथ के अंदर कुछ MTP करने की दवाइयाँ भी वहाँ पर मिली। तो इस सब को ऐसा लगता है देखकर कि वो वहीं पर लिंग जांच करते थे और करने के बाद में साथ साथ अगर बेटी मिलती है तो गर्भ में बेटी को ख़त्म करने का कार्य भी हो सकता है वो करते रहे हों, क्योंकि जो परिस्थिति बता रही हैं वो इसी प्रकार की हैं। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारी रेडिंग पार्टी है उनकी एक बड़ी सफलता है, जो एक बड़े गिरोह का भंडाफाड़ कर पाए, भंडा अगर उन्होंने फोड़ा है तो इस वजह से जो हजारों लड़कियों को गर्भ में ख़त्म होने की स्थिति आनी थी उनको एक नया जीवन मिल पाएगा और धीरे धीरे करके हमारे जिले का, हमारे प्रदेश का जेंडर रेशियो और बेहतर हो पाएगा। जी जी, वो एक बैग में डालकर मशीन को लेके आए, वो ये कह सकते हैं कि एक लैपटॉप साइज़ की एक मशीन थी जिसके अंदर छोटे छोटे इक्विपमेंट जोड़ रखे थे। हमारे पास उसका एक छोटा सा वीडियो भी है, हम आपको वो भी शेयर करेंगे।